हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे कमेंट पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि कमेंट काफ़ी आते हैं लेकिन कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो कमेंट में कई बार लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो। तो हम गंगानगर से हैं और जयपुर रहते हैं, और जयपुर हम काफ़ी सालों से ही रह रहे हैं। कई बार गंगानगर की वीडियो आती ज़रूर है क्योंकि हम वहाँ आते जाते रहते हैं इसलिए। और एक कमेंट ये भी था कि पिंकुश और अतुल के लिए कि अच्छे लग रहे हैं बहन भाई। तो अतुल मेरा बेटा है और पिंकुश मेरी बहू है, एक ही बेटा है मेरा और एक ही मेरी बहू है, तो ये बहन भाई नहीं है, ये मेरे बेटे बहू है दोनों ही। कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आई क्योंकि शायद उन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी होगी तो इसलिए। और ऐसे भी जैसे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आपके बालों की लेंथ अच्छी है, आप बालों की केयर कैसे करते हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो बालों की केयर वैसे आप देखते ही होंगे कि मैं इना पैक लगाती ही रहती हूँ, और इना बनाने के लिए जैसे मैं पानी बॉईल करके और उसके अंदर 2-3 चम्मच मेथी पीस के डालती हूँ, चाय पत्ती और कॉफ़ी डाल देती हूँ, उनको अच्छे से बॉईल करके और 2-3 घंटे पानी रख के फिर उसको छान के और फिर हिना उसके अंदर भिगो देती हूँ रात भर के लिए। और सुबह में मैं जब हिना लगाती हूँ तो पहले ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, अगर ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ तो हिना के अंदर ऑयल ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ऑयल डालने से बाल मुलायम भी हो जाते हैं और जैसे बालों में ड्राइनेस भी नहीं आती है। कई बार हिना करने के बाद खुजली आती है तो ऐसे भी नहीं होता है, और धूल भी अच्छे से जाती है। कई बार धोते टाइम जैसे हिना सूख जाती है तो बाल टूटते हैं, तो इससे बाल टूटते भी नहीं हैं, तो आप ज़रूर ऐसे लगाइएगा। और एक कॉमेंट ये भी था कि 2 साल की बच्ची के डैंड्रफ है, तो 2 साल की बच्ची के डैंड्रफ है तो आप घरेलू नुस्खे एक बार ना अपनाएं, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं है लेकिन बच्ची फिर भी सेंसिटिव है, तो उसको एक बार डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइएगा। इतनी छोटी बच्ची के ड्राइनेस आना बालों के अंदर, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिएगा, उनको दिखाइएगा। अगर किसी के बड़ों के जैसे डैंड्रफ हो जाता है तो जैसे अदरक का जूस ज़रूर लगाना चाहिए और टाइम टाइम पर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, तो बच्ची को एक बार आप ज़रूर दिखा लीजिएगा। और एक कमेंट ये भी था कि आप के सूट सुंदर होते हैं तो कहाँ से लेते हो? तो सूट डेली वियर के तो मैं जयपुर से कभी कभार ले लेती हूँ, गंगानगर से भी लेती रहती हूँ, और पार्टी वियर सूट मैं पहले तो जयपुर से ही ज़्यादा तैयार करवाती थी, लेकिन अब मुझे गंगानगर में भी अच्छा बुटीक मिल गया तो मैं वहीं से भी तैयार करवा लेती हूँ। तो सूट का कोई फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ से लेती हूँ। और एक ये भी पूछते हैं लोग कि पिंकुश काम कर लेती है क्या? तो पिंकुश काम बहुत अच्छे से कर लेती है, क्योंकि घर का काम तो हर कोई कर लेता है। मुझे ऐसे लगता है कि पीढ़ियाँ काम करती आ रही है, अगर मेरी माँ कर रही है तो मैं सीख गई, मेरी नानी कर रही थी मेरी माँ सीख गई, आगे से आगे ये काम हो जाता है। लेकिन पिंकुश जो काम कर रही है वो हर कोई नहीं कर पाता है, तो इसलिए पिंकुश से मैं घर का काम ज़्यादा नहीं करवाती हूँ। पिंकुश काम बहुत अच्छे से करती है और फास्ट भी करती है, और कुछ कमी भी ये नहीं है कि बच्ची कई बार भाई खाना नहीं बनाया तो प्रॉपर मतलब बच्ची से नहीं बन रहा है, या और हर चीज़ परफेक्ट बनाती है और जल्दी ही बना लेती है, लेकिन मैं उनसे काम ज़्यादा नहीं करवाती हूँ क्योंकि वो काम अपना करती है। तो बेटा है वैसे ही मेरी बहू है, क्योंकि अगर बेटा भी काम करके बाहर का थकता है तो बहू भी थकती होगी, तो मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ। और काम वो ऐसे नहीं है कि काम से मतलब जब उसको दिखता है ऐसे लग रहा होता है कि मैं फ्री हूँ और काम कुछ है तो वो कर लेती है, प्रेस करना या कुछ ऐसा जो घर पे छोटे मोटे कपड़े हम करते हैं। तो पिंकुश की तो कोई वो नहीं है, पिंकुश काम जो कर लेती है वो अपन नहीं कर पाते, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाती हूँ पिंकुश वाले काम, पिंकुश काम कर लेती है। और बाकी हाँ, एक कॉमेंट ये भी था कि फेस पे छाया है तो उसका कोई इलाज बताइए। तो फेस पे अगर छाया है तो वैसे तो घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना उनसे स्किन में ग्लो अच्छी आती है, टाइटनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है स्किन में, और फेयरनेस, और मतलब घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे और कामयाब होते हैं। और हल्की फुल्की अगर छाया हो तो उस पर भी बहुत असर करते हैं, लेकिन अगर छाया ज़्यादा हो चुकी है तो फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर खाइएगा और फेस पे भी ज़रूर लगाइएगा। रात को सोते टाइम आप मसाज करके सोइए विटामिन ई के कैप्सूल की, और डाइट भी आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि अंदर की कमी से ही ये होती है छाया, तो अंदर जो कमियां पूरी हो जाएगी तो आपकी छाया भी ठीक हो जाएगी। और कुछ कमेंट अगर रह गए होंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए आज नहीं बात करूँगी। आगे आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि कुछ आपको अगर पूछना है, जानना है, तो जितनी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
लेकिन जितने व्यूज आते हैं उतने हम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप लाइव आइए, लाइव भी आके बात कीजिए। तो लाइव मैं आऊँगी जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, जिस दिन मैं ज़रूर आऊँगी। ज़्यादा तो मुझे नहीं है आने का इतना, लेकिन हाँ उस दिन मैं एक बार ज़रूर आऊँगी लाइव। लेकिन एक बार 1000 सब्सक्राइब हो जाए फिर